कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल चुनौती है। आज कैंसर दुनिया में लोगों की मौत का प्रमुख कारण है। धूम्रपान, व्यायाम न करने तथा अनहेल्थी जीवन शैली अपनाने के कारण कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में साल 2022 में कैंसर के कुल मरीजों का आंकड़ा 14 लाख पार कर गया। अब ESIC ने इस चुनौती का मुकाबला बीमित कामगारों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर करने की शुरुआत की है, क्योंकि कैंसर के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी चुनौती है बीमारी का सही चरण में पता लगना, जिससे समुचित इलाज कर उसे काबू से बाहर होने से रोका जा सके। 100 या उससे ज्यादा बेड्स वाले ESIC अस्पतालों में कीमोथेरेपी यूनिट्स की स्थापना एवं संचालन कैंसर से लड़ाई की दिशा में ठोस पहल है। ESIC के ज्यादातर अस्पतालों में अब कैंसर पीड़ित बीमित कामगारों को इन हाउस कीमोथेरेपी की सुविधा मिलने लगेगी, यानी अब मरीजों को रेफरल अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हब अस्पतालों की भूमिका और जिम्मेदारी। इन हाउस कीमोथेरेपी यूनिट की स्थापना और इन्हें मजबूत करना, स्पोक अस्पतालों को कीमोथेरेपी के लिए प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाना, स्पोक अस्पतालों को इन हाउस कीमोथेरेपी यूनिट स्थापना के लिए गाइड करना, कीमोथेरेपी यूनिट के लिए आवश्यक उपकरणों दवाइयों को मुहैया कराना, स्पोक अस्पतालों में कीमोथेरेपी यूनिट की सर्विस पर निगरानी रखना, जरूरत पड़ने पर उन्हें सलाह देना, स्पोक अस्पतालों में कीमोथेरेपी यूनिट के लिए नियमित डॉक्टर और नर्सों की नियुक्ति की गई है, साथ ही लेबोरेटरी सेवा, ब्लड बैंक, स्टोरेज यूनिट, ICU की सुविधा भी है। मैं ESI के कार्ड धारक था। ESI में आया मैं, संजय सर ने मेरा टेस्ट किया, वैन में रोका और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे ब्लड कैंसर है। संजय सर की टीम ने मेरा इलाज किया। अभी हाल फिलहाल तो मैं ठीक हूँ और ESI ने मेरा फ्री इलाज किया है। நான் இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு 4 மாதம் வந்திருந்தேன். இங்கே நல்லா ஃபுல்லாக செக்அப் பண்ணி வயிற்றில் கட்டிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொன்னோடனே அதுக்கேற்ற மாதிரி டீமு கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு 2-3 மாதம் அப்படியே வச்சுருந்தேன். 1 மாதம் அப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ டீமுக்காக வந்திருக்கோம். டீம் இப்போ நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட்டு ஓடிங்குது. நர்ஸ் டாக்டர் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டு பார்த்துருக்காங்க. நல்லா இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொஞ்சம் செக்அப்புக்காக வந்து அடிக்கடி வந்து போக சொல்கிறாங்க. सनत नगर हैदराबाद, KK नगर चेन्नई, राजाजी नगर बंगलुरु, जोका कोलकाता, फरीदाबाद, बसई दारापुर व ओखला दिल्ली के ESIC के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से देश भर में फैले ESIC के 30 अस्पतालों में कीमोथेरेपी यूनिट का शुभारंभ किया जा रहा है। ESIC के लिए आज खुशी का दिन है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ESIC अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवा का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री रामेश्वर तेली इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हैं। ESIC आज उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करता है। स्वस्थ श्रमिक, खुशहाल देश, ESIC का उद्देश्य 1।